पटना से एक बड़ी खबर आपको बता दें, विजय सिन्हा विधानसभा के अध्यक्ष ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। फ्लोर टेस्ट से पहले विजय सिन्हा ने इस्तीफा दे दिया, बड़ी खबर बता दें पटना से। फ्लोर टेस्ट से पहले ही विजय सिन्हा ने दिया इस्तीफा, सरकार के गठन के बाद विजय सिन्हा देना चाहते थे इस्तीफा और आज उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। मैं खुद इस्तीफा दे देता लेकिन समय नहीं दिया गया, विजय सिन्हा ने बयान भी दिया इस्तीफा देने के बाद। वक्त नहीं मिला इसलिए इस्तीफा नहीं दे सका, विजय सिन्हा ने अविश्वास प्रस्ताव को बताया असंवैधानिक। बड़ी खबर आपको बता दें, फ्लोर टेस्ट से पहले विजय सिन्हा ने दिया इस्तीफा, यानी बिहार विधानसभा अध्यक्ष पद से इस्तीफा विजय सिन्हा ने दे दिया है। बड़ी खबर आपको बता दें, उन्होंने यह बयान दिया कि मैं खुद इस्तीफा दे देता लेकिन समय नहीं दिया गया। हालांकि अविश्वास प्रस्ताव को असंवैधानिक बताया है विजय सिन्हा ने। बड़ी खबर बता दें, फ्लोर टेस्ट से पहले विजय सिन्हा ने दिया इस्तीफा। बड़ी खबर पटना से, सरकार के गठन के बाद विजय सिन्हा देना चाहते थे इस्तीफा, आज उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। मैं खुद इस्तीफा दे देता लेकिन वक्त नहीं दिया गया, विजय सिन्हा का बयान। बता दें फ्लोर टेस्ट से पहले विजय सिन्हा ने इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें बिहार में आज नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की सरकार का फ्लोर टेस्ट होना है और इस बीच महागठबंधन सरकार स्पीकर विजय सिन्हा को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई। अविश्वास प्रस्ताव के बावजूद विजय कुमार सिन्हा ने स्पीकर पद से इस्तीफा देने से इनकार किया। उन्होंने नीतीश तेजस्वी सरकार के विधायकों द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर सवाल खड़े करते हुए उसे असंवैधानिक करार दिया है। बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले स्पीकर विजय सिन्हा ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि वे पहले ही सरकार गठन के बाद इस्तीफा देना चाहते थे लेकिन उन पर विधायकों ने अनर्गल आरोप लगा दिए, ऐसे में उन्हें इस आरोपों पर जवाब देना था इसलिए उन्होंने अब तक इस्तीफा नहीं दिया था, लेकिन आज फ्लोर टेस्ट से पहले विजय सिन्हा ने अपना इस्तीफा दे दिया। बिहार विधानसभा स्पीकर विजय सिन्हा ने कहा है कि सरकार ने 9 अगस्त को इस्तीफा दिया, 10 अगस्त को नई सरकार के गठन का न्योता दिया गया। नई सरकार के गठन के बाद वो खुद स्पीकर पद से इस्तीफा देना चाहते थे, उसका त्याग करना चाहते थे, लेकिन 9 अगस्त को उन्हें पता चला कि उनके खिलाफ सचिव को अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस भेजा गया। माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी का मार्गदर्शन मिलना देश के आजादी के बाद पहली बार, देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विधानसभा परिसर में आना और लोकसभा का इसके सेंट्रल हॉल में लगे बिहार के प्रतीक चिन्ह को दर्शाते हुए ऐतिहासिक शताब्दी स्मृति स्तंभ का लोकार्पण करना, बिहार विधानसभा के 100 वर्षों के सफरनामा से संबंधित विधानसभा संग्रहालय का शिलान्यास, विधानसभा के अतिथियों के लिए अत्याधुनिक गेस्ट हाउस का शिलान्यास प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से कराना, शताब्दी औषधीय उद्यान में उनके कर कमलों से कल्प तरु पौधों का रोपण कर एक सकारात्मक ऊर्जा संचार के लिए रचनात्मक वातावरण बनाना, इन सब कार्यों से सदन की गरिमा और विधायिका इन सब कार्यों से बढ़ी है या घटी है निर्णय सदन के सदस्यों को करना है। मैं इन सब कार्यों की मूल्यांकन की जिम्मेवारी बिहार की जनता पर भी छोड़ता हूं। इस सदन में संविधान के ज्ञान हमारे अभिभावकों से मिलता है, इस ज्ञान संविधान के ज्ञाता व्यवहार की बिहार नहीं पूरे देश ने देखा और इतिहास इसका समालोचक है। इसका भी निर्णय लोकतंत्र में मालिक जनता है, अंतिम निर्णय उसी का होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी आसन के प्रति जो आपका सम्मान था, आपके द्वारा जो सहयोग मिला उसको कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप ही का नहीं, नेता प्रतिपक्ष के नाते जो आज उप मुख्यमंत्री है, सभी सदस्यों का सदन और बिहार की जनता लाइव होता था, देखता था।
उत्कृष्ट विधायक और उत्कृष्ट विधानसभा पर जब हमने बहस कराने का प्रस्ताव रखा, मेरे मन के अंदर ये इच्छा थी कि बिहार विधानसभा भवन के 57वीं वर्ष हम मना रहे हैं, 100 वर्ष के गवाह नहीं भागीदार बन रहे हैं।